दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ISO सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहां पे ISO सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। दोस्तों, ISO सर्टिफिकेट क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, कोई भी अगर काम किया जाए तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। इसका जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी वर्क को कर रहा है, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा तो उस काम को बेहतर तरीके से, उसकी क्वालिटी होगी, उसके प्रोडक्ट होंगे, उसकी सर्विसेज होगी। तो इसीलिए दोस्तों ISO सर्टिफिकेट बनाया गया है। ये दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल लेवल का है, और जो भी कंपनीज, जो भी फर्म्स, जो भी सर्विस सेक्टर ISO सर्टिफाइड होते हैं, उनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है। ये दोस्तों सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए और किसी भी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोस्तों, ये मेनली जो है सारे सेक्टर्स की जरूरत है, जैसे चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, ट्रेडिंग हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या फिर फूड सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में इसकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, बड़े बड़े कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके भी कई ISO सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती है। इनके दोस्तों कई कैटेगरीज भी होती हैं और इनके कई टाइप भी होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि एक सर्टिफिकेट होता है IAF और एक सर्टिफिकेट होता है नॉन IAF। जो IAF है दोस्तों, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम है एक, वहां से जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं वो ही सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं, और उनके द्वारा सर्टिफिकेट जो भी इशू किया जाएगा वो वर्ल्ड वाइड हर जगह वैलिड माने जाएंगे। और दूसरे होते हैं दोस्तों नॉन IAF, मतलब जो अगर किसी इंडिया में ही है, इंडिया में ही उनको वर्क करना है, तो नॉन IAF सर्टिफिकेट को भी यूज कर सकते हैं वो। और इंडिया से बाहर अगर उनको वर्क करना है तो IAF सर्टिफिकेट होना उनके पास मैंडेटरी है। दोस्तों, इसका जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो होता है टेंडर लेने में, जो भी गवर्नमेंट के टेंडर हो या फिर प्राइवेट टेंडर हो, उनमें इन सर्टिफिकेट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग के हों, ट्रेडिंग के हों, या फिर नॉर्मल सर्विस इंडस्ट्री हो, सब में दोस्तों इसकी जरूरत पड़ती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इनके सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं। इनमें दोस्तों कई स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट्स होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसकी मैनेजमेंट को अगर देखना है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसकी मैनेजमेंट को किस तरह से वर्क करना चाहिए, एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको जो फॉलो करना है, उसको उन्होंने बनाया हुआ QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दोस्तों जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हर एक फर्म में, वो चाहे ट्रेडिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, हर एक चीज में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और मैनेजमेंट को अप्रूव कराने के लिए कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, QMS। ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों होता है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट ना खराब हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो वर्क कर रही हैं इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे पॉल्यूशंस हैं, एयर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, वो कम से कम हो। तो इसके लिए दोस्तों उनको लेना पड़ता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, EMS। ठीक है, EMS 14001। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे कंपनीज में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर गाइडलाइन है कि नहीं है, इसके लिए भी ISO ने अपना एक सर्टिफिकेट अलग से दिया हुआ है, एक इसका अलग से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जिसको OSAS कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज, OSAS। ये दोस्तों हर एक उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेनी पड़ती हैं
हर एक उस कंपनीज को लेनी पड़ती हैं जहां पे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं और उनके सेफ्टी के प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है तो वहां पे वर्कर्स को हेलमेट प्रॉपर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उनके शूज प्रॉपर हैं कि नहीं है, उन पे जो भी वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर ग्लव्स हैं कि नहीं है, अगर कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है तो उसको उसके पास प्रॉपर वेल्डिंग का इक्विपमेंट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, हेलमेट होने चाहिए, शूज होने चाहिए, और अगर किसी ऐसे हाइट पे वो वर्क कर रहे हैं तो उनके पास वो बेल्ट होनी चाहिए कि इनके से अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस चीज को वो फेस कर सके। इसके लिए दोस्तों ओसास सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फिर फूड पैकिंग की कंपनीज हैं जो फूड बनाती हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनके लिए दोस्तों फूड मैनेजमेंट सिस्टम FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मैंडेटरी होता है। तो इनके लिए जो दोस्तों ISO सर्टिफिकेट है वो है FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब फूड की सेफ्टी के लिए वो सारे नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ये दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। जितनी भी कंपनीज हैं जो फूड चेन में वर्क कर रही हैं वो दोस्तों अगर एक प्लास्टिक का कोई कप बना रहा है उसके लिए भी वो मैंडेटरी है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो। कोई अगर एक पैकिंग एक डिब्बा बना रहा है तो उसके लिए भी होता है, और जो फूड बना रहा है मतलब फूड चेन में जो भी होता है उसके लिए FSMS बहुत ही जरूरी होती है। ISO सर्टिफिकेट का जो स्टैंडर्ड है FSMS, ये फूड चेन के लिए बहुत ही जरूरी सर्टिफिकेट होता है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि इसको इश्यू कौन करता है, ये सर्टिफिकेट्स कौन इश्यू करता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया IAF इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम है, उसमें बहुत सारी बोर्ड वर्क करते हैं जिनको उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है कि आप जो है सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं, एक है अमेरिकन, एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के थ्रू चल रहा है जिनका ज्वाइंट वेंचर है जैसन जिसको बोलते हैं, ANSI जो अमेरिकन है, कुछ ऐसे दुबई के भी हैं, कुछ अपने इंडिया के भी हैं। अपने इंडिया में जो है दोस्तों वो है NABCB नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेट बॉडीज। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। दोस्तों इसको कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इसके दो तरीके हैं दोस्तों। अगर आप IAS सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं जो कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं उनकी अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स को, दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट होता है इसकी वैलिडिटी 3 years की होती है और हर एक साल इसका रिन्यू होता है, मतलब हर एक साल इसका ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद नेक्स्ट ईयर इसको रिन्यू किया जाता है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल के लिए होती है। अब इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो भी कंपनी को रन कर रहा है, जो भी वहां का डायरेक्टर हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, उसके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। साथ में जो कंपनी है, कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड हो या फिर अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, साथ में अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, उनका पैन कार्ड लगेगा, उनका सर्टिफिकेट लगेगा, MSME का है तो MSME की सर्टिफिकेट लगेंगे, GST लगेगा, और इसके साथ ही दोस्तों जो कंपनी का स्कोप है कि कंपनी करती क्या है, किस चीज के लिए इसको सर्टिफिकेट इशू किया जाए, वो स्कोप भी आपको देना पड़ेगा। साथ में दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको ISO सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए दो प्रोसीजर हैं, एक प्रॉपर चैनल में जो IAS सर्टिफिकेट है उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन देने के बाद वहां का इंस्पेक्शन होगा, ऑडिट होगा, अगर आप जो भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, अगर आप QMS लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखा जाएगा कि आप किस तरह से वहां पे वर्क करते हैं, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसको आपको बताया जाएगा कि कैसे किया जाएगा, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तब जाके आपको ISO सर्टिफिकेट इसमें इशू किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो नॉन IAF होते हैं, जो डायरेक्टली सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, उसमें जस्ट आपको कॉन्टेक्ट करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है।
तो दोस्तों अगर किसी को भी आईएसओ सर्टिफिकेट की जरूरत है तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं जिनसे मेरे कांटेक्ट हैं, मैं आपको वहां से सर्टिफिकेट एक अच्छे रेट पे विद ऑडिट चाहते हैं तो विद ऑडिट भी आपको वहां से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों जो कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं और अपने कंपनी के स्टैंडर्ड को एक नेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए, एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है और उनको लेना पड़ता ही है। तो दोस्तों अगर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।